और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये रशियन आर्मी खार्कीव में दाखिल होती हुई, खार्कीव में रूसी सेना का शिकंजा और कस गया है, रूसी फोर्स शहर के अंदर दाखिल हो गई है। तो एक तरफ खार्कीव पर भीषण हमले लगातार जारी है, मिसाइलों से रॉकेट से अटैक किया जा रहा है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस में खलल पड़ रही है। खार्कीव में तमाम इमारतें खंडर में तब्दील हो गई हैं, लाखों लाख लोग खार्कीव छोड़कर जा चुके हैं, बिजली पानी का संकट लोगों के सामने जो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं खड़ा हो गया है। इस बीच ये तस्वीर जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि रूस अब तेजी से खार्कीव की ओर आगे बढ़ रहा है, रूसी सेना का शिकंजा कसता जा रहा है खार्कीव पर, रूसी फोर्स शहर के अंदर दाखिल हो रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही लगातार जुबानी जंग भी जारी है, एक तरफ ज़ेलेंस्की बड़े बड़े दावे कर रहे हैं तो रूस की तरफ से भी लगातार चेतावनी दी जा रही है। और हाल ही में रूस ने एक बार फिर से चेताते हुए कहा है कि हमारे अस्तित्व पर खतरा मंडराया तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे, और लगातार ज़ेलेंस्की भी इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये युद्ध इसी तरह से जारी रहा, बातचीत विफल होती रही तो विश्व युद्ध हो सकता है और पूरे विश्व के लिए ये बहुत बड़ा खतरा। 28 दिन हो चुके हैं ये युद्ध लगातार जारी है, दोनों ओर से हमले हो रहे हैं, यूक्रेन भी मजबूती से प्रतिरोध कर रहा है लेकिन भारी तबाही यूक्रेन के शहर शहर में मच रही है। कीव में कब्जे में रूसी सैनिक आपको नजर आ रहे होंगे, कीव का किला कब तक सुरक्षित रहेगा ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब तक कीव को रूसी कब्जे से यूक्रेनी सेना ने बचाया हुआ है लेकिन आखिर ये कब तक संभव होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से, जिस तेजी से, जिस रणनीति के साथ रूसी फौज आगे बढ़ रही है यूक्रेन के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। जमकर 28वां दिन बम बारूद और बर्बादी, चारों ओर सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से देखिए रूस का मिसाइल हमला हुआ एक सैन्य ठिकाने पर, यूक्रेन के कीव के पास चेचन लड़ाके भेजने का भी दावा किया जा रहा है, ऐसी खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। डोनेट्स्क की अगर बात करें तो डोनेट्स्क में भी भारी बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है, हर तरफ मकरीव में भी महाविनाश की ये तस्वीर सामने आई है जहां पर एक इमारत खंडर में तब्दील हो गई, राहत और बचाव का काम वहां पर जारी रहा। साथ ही यूक्रेन के कब्जे में कुछ रूसी सैनिक भी आ गए हैं। मारियोपोल की अगर बात की जाए तो मारियोपोल पूरी तरह से मटियामेट हो गया है, ज़ेलेंस्की अब क्या करेंगे एक बहुत बड़ा सवाल, हर कोई अब यही सोच रहा है कि क्या अगला कदम होने वाला है ज़ेलेंस्की का, कैसे वो अपने देश को बर्बाद होने से रोक पाएंगे। तबाही बहुत बड़े स्तर पर हो गई है, कई साल पीछे यूक्रेन चला गया है, इसकी भरपाई कैसे होगी, कब तक होगी, ये बहुत बड़ा सवाल ज़ेलेंस्की के सामने। और लगातार अपने देश की जनता से अपील करते हुए भी ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं कि आप जहां कहीं भी हैं अपने वतन के लिए लड़ते रहें, लोगों की मदद करते रहें। और पुतिन के लिए एक बड़ा सवाल ये कि आखिर कब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे पुतिन, कब तक यूक्रेन पर इसी तरह से पुतिन जानलेवा हमला कराते रहेंगे। और यूक्रेन पर रूस के हमले का 28वां दिन और एक और तस्वीर बर्बादी की जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक अस्पताल तबाह हो गया रूसी हमले में, मिसाइल से अटैक किया गया और अस्पताल की पूरी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। और देखिए यहां पर आम लोग जो बिजली पानी खाने की सामग्री मूलभूत सुविधाओं के लिए वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, घर और देश छोड़कर लोगों को भागना पड़ रहा है, यहां पर जो कुछ बचा है बस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इस मलबे में।